नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम जानेंगे ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड के बारे में। ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हमारा आया वो ISO 9001, ISO TS 16949 एंड IATF 16949। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फॉर्मलाइज सिस्टम दैट डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अचीविंग क्वालिटी पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्यूएमएस स्टैंडर्ड हेल्प्स करता है कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी टू मीट कस्टमर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्रूव्स इट्स इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ये जिस भी ऑर्गेनाइजेशन इसके को इम्प्लीमेंट करता है वो उसकी इफिशियंसी इफेक्टिवनेस और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है रेगुलर रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड है आपका ISO 9001, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, पब्लिश्ड ईयर। सबसे पहला एडिशन इसका आया 1987 में, सेकेंड एडिशन आया 1994 में, थर्ड एडिशन 2000 में एंड फोर्थ एडिशन 2008 एंड लेटेस्ट फिफ्थ एडिशन जो चल रहा है इसका 2015 से चल रहा है। इसको बनाने में एक 160 कंट्रीज एंड 780 टेक्निकल बॉडीज इसमें शामिल हैं। अब तक ISO ने 21584 स्टैंडर्ड्स पब्लिश कर दिए हैं। ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होता है। जैसा कि द ISO 9001 डिफाइंड द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ISO 9000 2015 द करेंट वर्जन वॉज रिलीज इन सितंबर 2015। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग द स्टैंडर्ड इज यूज बाई ऑर्गेनाइजेशंस टू डिमोन्स्ट्रेट दियर एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट मीट कस्टमर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड टू डिमोन्स्ट्रेट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ऑटोमोटिव क्यूएमएस स्टैंडर्ड में सबसे पहला स्टैंडर्ड आया ISO/TS 16949। रिक्वायरमेंट पड़ी ऑटोमोटिव में तो इसलिए पहला स्टैंडर्ड रिलीज हुआ। ISO टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं और पब्लिश्ड ईयर इसका फर्स्ट एडिशन आया 1999 में, सेकेंड एडिशन 2002 में एंड फोर्थ थर्ड एडिशन 2009 में। TS 16949 वॉज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑटोमोटिव असेंबली बेस्ड ऑन ISO 9000 1998 के जो ISO का स्टैंडर्ड था उसी को बेस बना करके उसके जो स्टैंडर्ड थे उसको बेस बना करके हमने ये जो है टेक्निकल बॉडीज़ ने इसको लॉन्च किया। इसके अंतर्गत IATF ऑटोमोटिव टास्क फोर्स और सपोर्ट था इसमें ISO टेक्निकल कमेटी का और क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ऑटोमोटिव क्यूएमएस स्टैंडर्ड में नेक्स्ट IATF वर्जन आया। IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स पब्लिश हुआ है फर्स्ट एडिशन इसका 1 अक्टूबर 2016 को। इसको कैंसिल्ड एंड रिप्लेस किया गया किसकी जगह पर ISO TS 16949 को कैंसिल्ड करके। जब कस्टमर की डिमांड OEMs की डिमांड बढ़ी और उसमें कुछ चेंजेज करके इसको नए तरीके से लॉन्च किया IATF ने और इसका नाम IATF 16949 2016 दिया गया।
और ये अप्लीकेबल अलोंग विद ऑटोमोटिव कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और आईएसओ 9000:2015 और आईएसओ 9000:2015 ये को मिला करके इस स्टैंडर्ड को लॉन्च किया गया। अब आज जानते थे अभी जानते हैं हम आईएसओ 9001 और आईएटीएफ में डिफरेंस क्या है। आईएसओ 9001 डिफाइंड द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आईएटीएफ क्यूएमएस स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये स्टैंडर्ड अकेले ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च किया जा सकता है। आईईटीएफ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड विद आईएसओ 9000:2015। आईएसओ 9000 ऑल द साइट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम। आईईटीएफ 169 इज एप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन साइट दैट प्रोड्यूस सर्विस पार्ट्स कार्ट असेंबली पार्ट्स और नॉट आफ्टर मार्केट पार्ट्स। आईएसओ 9000 फोकस करता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन पर, और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो आईएटीएफ फोकस करता है। आईएसओ 9000 नॉट रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन फॉर ऑल मेजरिंग सिस्टम्स। यू कैन कैलिब्रेट ओनली द सिस्टम दैट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द सेम टाइम। आईएटीएफ रिक्वायर्ड कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटी एंड रिक्वायर्ड अलोंग विद द डिटेल एंड कन्फर्मेटरी टू स्पेसिफिकेशन आफ्टर द कैलिब्रेशन एंड वेरिफिकेशन एक्टिविटी प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की बात करता है और प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करता है। इसको बनाने में एक्सीडरेशन बॉडीज फॉर आईएसओ 9001 इंक्लूड ए एन ए वी ऑडिटर्स सर्टिफिकेशन बॉडीज ETC और IATF इंक्लूड IATF टास्क फोर्स और IAOV ऑडिटर्स ETC। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड पुश बेल आइकन फॉर नेक्स्ट सीरीज ऑफ QMS स्टैंडर्ड। हमने पास्ट सीरीज आपके सामने प्रेजेंट की है और आपको और अच्छी जानकारी देते रहेंगे QMS स्टैंडर्ड की सीरीज 1 और सीरीज 2। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा जिसमें हम IATF के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखेंगे।